आंत की सूजन को कैसे कम करें और क्या यह वास्तव में त्वचा के स्वास्थ्य से संबंधित है? जैसे हमारी आंतें हैं वैसे ही हमारी रिफ्लेक्शन ऑफ स्किन है। तो डेफिनेटली इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए सबसे पहले तो जो चीजें आपको तकलीफ दे रही हैं, जैसे ट्रिगर्स इसको कहते हैं, वो हटाने पड़ेंगे उसको। फिर जैसे अगर आपने मान लिया गेहूं आपको तकलीफ कर रहा है, तो आप गेहूं और गेहूं के बने हुए चीजें, मैदा, आटा, सूजी, दलिया और उसके साथ साथ मक्की, सोया, ओट्स वगैरह भी हटाएं और सिंपल चीजें खाएं, जिसमें छोटे अनाज जैसे स्मॉल मिलेट्स हैं, लिटिल मिलेट्स हैं, या आप चावल के अलग अलग रूप हैं वो ले लें। और अगर आपको बेहतर महसूस हो रहा है तो इसी का ये एक वो आपको एक स्टेप है जिसको हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट। तो पहले रिमूव किया, फिर आपने रिप्लेस किया थ्रू गुड थ्रू द राइट काइंड ऑफ अल्टरनेटिव्स। उसके साथ साथ आपको फिर जो डैमेज की वजह से आपके न्यूट्रिएंट्स की कमी हुई है, वाइटमिन्स की कमी हुई है, वाइटमिन डी है, B12 है, एंड उनको आप जांचें लेबोरेटरी में और उनको आप पूरा करें। और फिर आपके गट बैक्टीरिया जो होते हैं, जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, वो भी इम्बैलेंस फॉर्म में होते हैं, उसको बोलते हैं डिसबायोसिस। तो उसके बिल्डअप के लिए आपको भी प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक, फाइबर फूड और अच्छा हाइड्रेशन रखना है, अल्कोहल हटाना है, कुछ हार्मफुल चीजें जैसे ट्रांस फैट्स हैं, जो बेकरी के प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जो जिसमें बिस्किट वगैरह मार्जरीन यूज होती है, वो किस्म का फैट आपको हटाना है, बाहर तला तुला हटाना है, और एक्सेसिव शुगर भी हटानी है, एक्सेसिव अल्कोहल हटाना है। तो उससे आपकी रीबिल्ड होगी गट। और ये बिल्कुल मानना है कि जितनी भी आप और केमिकल और टॉक्सिक चीजें हैं आपके वातावरण में, चाहे वो दवाइयाँ क्यों ना हो बहुत ज्यादा, उनका भी आप लोड कम करें।